गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पुष्पांजलि और गुड वाइब्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूं मॉर्निंग टाइम में अपने गार्डन में। मुझे सुबह में अपने गार्डन की सैर करना बहुत ही पसंद है दोस्तों, बहुत ही मन को सुकून करता है। तो सुबह में आकर के मैं अपने प्लांट्स में पानी डालना, इन्हें नहलाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पानी के बूंदों की आवाज मन को कितना शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं अपने गार्डनिंग के कामों में लग गई। पत्तों को नहलाना, पानी देना और फ्लोर का क्लीनिंग करना, ये सब मैं यहीं आकर के इस मॉर्निंग के टाइम में कर लेती हूँ। बहुत गंदा हो जाता है, वैसे खुला है ना दोस्तों, बहुत डस्ट हो जाता है। खैर, मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। पानी का काम करना तो बस मुझे कोई बोल दे तो मैं दिन भर करते रहूं। पता नहीं कि मुझे पानी से इतना प्रेम क्यों है। दोस्तों, ये भी मेरे प्लांट्स भी मेरा इंतजार करते सुबह कि मैं आऊंगी और इन्हें नहलाऊंगी, इन्हें साफ सुथरा करूंगी। ये मेरा सुबह होते ही इंतजार करते हैं। साथ में क्लीनिंग भी हो जाती है और मैं अपने प्लांट्स को नहला भी देती हूँ, साफ सफाई भी हो जाती है, तो दोनों काम हो जाते हैं दोस्तों। और ये मेरा फाउंटेन जो पिछले साल में बनाई थी और ये बहुत ही अच्छा बन गया। मैं सोची भी नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बना लूँगी फाउंटेन। और ये इस जगह को इतना परफेक्ट लुक देता है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत लगेगा मैं सोची भी नहीं थी जब मैं इसे बना रही थी। तो दोस्तों, क्लीनिंग करने के बाद फ्लोर का मैं आ गई मोपिंग के, तो थोड़ा मैं बाहर ही पोंछ देती हूँ। क्या होता है कि वो सूख भी जाते हैं और क्लीन भी एकदम चमक जाते हैं दोस्तों। तो मेरा ये मोपिंग का काम हो गया और अब मैं आ गई ऊपर में कुछ डस्टिंग, क्लीनिंग, पोछना, जो भी है दोस्तों। सुबह में कितने काम होते हैं, जितना भी कर लो उतना ही लगता है कि कम है। और ये दोस्तों कितना चमक गया ना, पानी की तरह बिल्कुल आर पार। और ये मेरा टीवी, अगर एक दिन ना इसे पोछूं ना तो ऐसा लगता है कि इसमें एक धूल का लेयर जमा हुआ रहता है, सारा धूल लगता है इस टीवी पे आके ही बैठ जाता है, टीवी देखने के लिए लगता है।
डस्टिंग करने के बाद अब आती है मोपिंग की बारी। तो मैं लग गई अपने फ्लोर को चमकाने में। दोस्तों, मेरे फिटनेस का राज पता है क्या है? मेरे फिटनेस का राज यही मोपिंग है। इससे अच्छा एक्सरसाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप सुबह उठिए और लग जाइए मोपिंग पे, आपको मॉर्निंग वॉक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। बस इसी सबसे मैं फिट रहती हूँ। वैसे मुझे क्लीनिंग जो भी बोल दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है घर को नीट एंड क्लीन रखना। उसके लिए तो दोस्तों मैं दिन भर भूखी भी रह जाऊं, मंजूर है। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ नीचे। इतना बड़ा घर हो गया है दोस्तों, इसे पोसते पोसते ही अच्छा खासा टाइम मेरा निकल जाता है। किचन ऐसा जगह है ना दोस्तों, इसे जितना भी आप क्लीन करिए लगता है कि कम ही है। इसे गंदा होने में भी समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं नहा करके आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं अपने मंदिर की साफ सफाई करूँगी। तो ये तो दोस्तों एक घर का ऐसा कोना है जिसे आप जितना सुंदर सजा के, चमका के, साफ सुथरा करके जितना रखिए, धूप अगरबत्ती जलाइए, उतना मन, आत्मा सुकून मिलता है कितने मन को। तो दोस्तों, ये पूजा करने के लिए ये हमें इतना साफ सफाई करके आके ही ये पूजा पाठ करने का जो समय होता है दोस्तों, जब तक आप क्लीनिंग नहीं करेगा, घर वर साफ नहीं करेगा, तब तक पूजा करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो साफ सफाई करके ही पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं इतना टाइम तो नहीं दे पाती हूँ दोस्तों, पर जितना भी हो मुझे समय मिलता है, मैं ज़रूर अपने ईश्वर की आराधना करने में कमी नहीं छोड़ती हूँ। दोस्तों, मेरा यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने पेट की पूजा करने। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लेकर के आ गई हूँ। चलिए तो थोड़ा बैठ करके पेट की पूजा किया जाए। तो दोस्तों, अब बारी आई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का वीडियो लगा करके थोड़ा देख रही थी और बिलीव नहीं हो रहा था दोस्तों कि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ। खुद को यूँ यूट्यूब पे देखना बहुत प्राउड फील होता है दोस्तों। ये मेरा सपना था यूट्यूबर बनना।
दोस्तों सारे क्लिनिक के काम होने के बाद और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं ब्रेक लेती हूँ और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।